हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। सो गाइस थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आपने चैनल को इतना प्रेस किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी चैनल पे नए हो तो अभी जाके सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो ताकि आपको मिलते रहे लेटेस्ट ऑटो अपडेट्स, टैक अपडेट्स और ढेर सारी यूनिक वीडियोस। सो गाइस स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। बात कर रहे हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है, मारुति सुजुकी की सेलेरियो नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च होने वाली है। इसकी जो कैमोफ्लैग इमेजेस हैं वो लीक हो चुकी हैं और काफी हद तक उसमें क्लियर हो रहा है कि क्या एक्सटीरियर मिलने वाला है, क्या इंटीरियर मिलने वाला है और किस तरीके का ये मॉडल रहने वाला है। वही आज आपको बताऊंगा। इसकी प्राइसिंग को लेके, इसकी लॉन्चिंग को लेके, इंटीरियर एक्सटीरियर सारी चीजों का डिस्कशन करेंगे वन बाय वन। सो गाइस स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। मेक श्योर आप एंड तक देख लें, आपको बहुत कुछ नई इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। सो गाइस स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सो ये जैसा आप देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे फ्रंट एरिया दिखा रहा हूँ इसका, मारुति सुजुकी सेलेरियो का। तो जो ये वाला एरिया आपको नज़र आ रहा है, जो ये हेडलाइट आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो ग्रिल एरिया है, इस ग्रिल को इन्होंने चेंज किया है। इसी पे आपको सुजुकी की बैजिंग मिलेगी जैसे आपको प्रीवियस सेलेरियो पे मिलती थी, पर यहाँ पे जितना देखने में नज़र आ रहा है ये कैस्केडिंग ग्रिल आपको यहाँ पे मिलने वाली है। बम्पर को काफ़ी ब्रॉड कर दिया गया है, हुड एरिया को काफ़ी ब्रॉड कर दिया गया है। अगर बात करूँ पिछली सेलेरियो से, तो उसका जो फ्रंट और रियर ऑड लगता था, काफ़ी अनइवन नज़र आता था, तो यहाँ पे इन्होंने काफ़ी उसको प्रोपोर्शनल कर दिया है, जो रियर है और फ्रंट है, और उसको ब्रॉड बना दिया है। अगर बात करें इस एरिया की, ये जो शोल्डर विड्थ दी गई है, इस शोल्डर विड्थ को काफ़ी अच्छा बनाया, काफ़ी ब्रॉड किया है। एक SUV स्टांस इसमें दिखता है। अगर पूरी बात करें इसके डिज़ाइन की बात करें, तो एक SUV स्टांस नज़र आता है, काफ़ी अप फ्रंट स्टांस नज़र आता है, एग्रेसिव स्टांस नज़र आता है, एक स्पोर्टीनेस नज़र आएगी जब यहाँ से कैमोफ्लैग इमेज हट जाएंगी। सो यहां पे मुझे ये जो डिजाइन है, ये प्रीवियस सिलेरियो से काफी अच्छा नजर आ रहा है, एक स्पोर्टी नजर आ रही है, एक SUV वाली फीलिंग ये दे रहा है यहां पे। सो अगर बात करें ये रियर एरिया की, अगर आप रियर को देखें, तो यहां पे आपको जो टेल लैंप है वो तो टिपिकल आपको LED सिग्नेचर टेल लैंप मिलने वाले हैं यहां पे। सो जो काफी अच्छा नजर आएगा, जो काफी अच्छा बनाएगा इसको, जो इसके कॉम्पिटिटर्स रहने वाले हैं, लाइक मैग्नाइट की बात करूं और कीगर की बात करूं, तो उनके कॉम्पिटिशन में डिजाइन पे तो काफी वर्किंग करनी पड़ेगी। तो यहां पे इसका जो कंपटीशन मुझे होता हुआ नजर आ रहा है, वो मैग्नाइट और कीगर से होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि यहां पे क्या है कि जो एंट्री लेवल की SUV है, उसमें जो कंपटीशन अभी बहुत तगड़ा होने वाला है जब कीगर और मैग्नाइट लॉन्च हो जाएगी। तो जहां पे मारुति सुजुकी का सवाल है, वो इस मार्केट को बिल्कुल भी खत्म नहीं करना चाहता, उसमें अपना जो शेयर है वो कम नहीं करना चाहता। तो यहां पे अब उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि सेलेरियो में ही कुछ उस तरीके की अपडेट करेगा, और जो सेलेरियो का नाम है, जो सेलेरियो की मार्केट वैल्यू, उसको भुनाएगा और उसी में आपको SUV वाली फीलिंग दे देगा। तो यहां पे रियर और फ्रंट की बात करूं, तो काफी अच्छा नजर आ रहा है, काफी प्रोपोर्शनल है, और एक SUV स्टैंड हमें नजर आता है यहां पे। अब बात करते हैं इसके इंटीरियर एरिया की। तो इंटीरियर में अगर आप देखोगे, तो इंटीरियर में बात करेंगे तो मल्टी फंक्शनल आपको कंट्रोल्स मिलेंगे स्टेयरिंग पे। अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूं, तो आपको सेमी डिजिटल मिलने वाला है यहां पे। और इसके अलावा अगर सेंटर कंसोल की बात करी जाएगी, जो आपको नजर आ रहा है सेंटर कंसोल एरिया, यहां पे आपको नया देखने को मिलेगा। प्रीवियस जो आपकी सेलेरियो थी, प्रीवियस सेलेरियो से ये काफी डिफरेंट नजर आएगा। इसके अलावा आपको फैब्रिक अपॉलस्ट्री मिलेगी इस कार के अंदर, और काफी अच्छा इसको प्रीमियम रखने की कोशिश करी जाएगी, बट वो अप मार्केट वाली फीलिंग आपको नहीं आएगी, क्योंकि इसकी प्राइसिंग, इसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस कंपनी को रखनी है ताकि वो मार्केट को केटर कर सके, उस सेगमेंट को केटर कर सके जहां पे कम बजट की SUVs को लोग प्रेफर करें। सो यहां पे अगर बात करूं, तो कंप्लीट जो ये पैकेज मिलता है, बहुत अच्छा पैकेज मिलता है। और हाँ, व्हील की बात करें, अगर व्हील एरिया की बात करें, तो व्हील आपको यहां पे अभी जो नजर आते हैं, जो ये टेस्टिंग व्हीकल नजर आता है, ये आपका अभी स्टील रिम है, अलॉय व्हील्स आपको एक्सपेक्टेड है कि मिल जाएंगे आने वाले वक्त में। तो यहाँ पे मारुति सुजुकी ने अपने मार्केट को कहीं और ना चला जाए, उस सेगमेंट के लिए सेलेरियो को तैयार किया है, जो अपकमिंग SUVs हैं उनको टक्कर देने के लिए। और यहाँ पे अगर ट्रांसमिशन की बात करूँ, तो ट्रांसमिशन आपको एक 1 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलने वाला है। इसके अलावा आपको CNG ऑप्शन भी मिलेगा। 1 लीटर का जो इंजन है वो आपको 66 BHP की पावर देगा, इसके अलावा 90 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा। र्यूमर्स ये भी है कि 1.2 लीटर का आपको सिमिलर जो वैगनार में यूज़ होता है, वही इंजन आपको मिलने वाला है। और ये जो मारुति सेलेरियो, ये हार्टेक जो प्लेटफॉर्म है मारुति सुजुकी का, वैगनार और एस्प्रेसो में उसी को शेयर करेगी। सो गाइस अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।